तो इसको बस ऐसे पकड़ के ऊपर ले लेना। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ न्यू वीडियो। अभी तो आपने देखा होगा सूरज उग रहा है, पता नहीं कहाँ से उगा कि सुरभी इज अप। 6 बजे उठ गई एंड वी आर फाइनली ऑन आवर वे टू द जिम नाउ। 6:32 एंड आई एम वेयरिंग माय न्यूली गिफ्टेड टी-शर्ट, अमेजिंग टी-शर्ट। ये पहनने के बाद में थोड़ी मेरे को पावर ज्यादा आ रही है, सर ज्यादा मेहनत करूंगा लग रहा है। जाना चाहिए था वहीं पे, ये इधर इतनी जगह ही नहीं है। तो सीखोगी तुम धीरे धीरे, तुमको आदत हो जाएगी। सुबह 6 बजे उठने के बाद तुम आज खुद से ड्राइव कैसे करने लग गई? मुझे लगा तुमको शूट करना होगा इसीलिए मैं चला ली। केयरिंग वाइफ, सच एन अंडरस्टैंडिंग वाइफ एज वेल। यू हैव मेड इट टू द जिम। फॉर्चूनेटली बहुत कम भीड़ है। ऑलराइट सर बी, लेट्स क्रंच इट। ठीक है, मैं समझ गया। यस, अलग ही टेंशन है। मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, तुम पार्किंग में ही बिजी हो। अभी बाइसेप्स बिफोर एंड आफ्टर दिखाना है, दिखा दो एक बार, फ्लेक्स कर दो। तुमसे क्वेश्चन पूछना, तुम क्या मार रही हो आज? तुम बहुत टायर्ड लग रही हो। बहुत ज्यादा, अभी गिर जाऊंगी ना। साइकिल किसी तरह फिट हो गई है पीछे। साइकिल की फ्रेम बड़ी होने के कारण बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो फिर ऐसा लगा कि अभी फिनिश कर देते हैं। ट्राई करना ही था वैसे भी। आज खाना बनाने का टास्क तो नहीं मिला, पर दूसरा टास्क मिल गया है जो कि है सुरभि की गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेकर जाने का। साइकिल कार में डालने के चक्कर में चेन भी उतर गई थी, तो चेन भी लग गई ढंग से, टायर का भी टेंशन नहीं हुआ। गियर्स का जो सेटअप होता है वो बिगड़ गया है। और मेरे हाथ निशानी है आज की मेहनत के। मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था व्हील निकालने का। दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई इट आउट। मुझे हमेशा लगता था कि मैंने अगर गलत इंस्टॉल कर दिया तो पता चला मैं साइकिल पे बैठे रह गए और व्हील अपनी आगे निकल गई। लुक एट दिस मेहनत। बैंक अंकल ने गाड़ी कर दी है तैयार एंड वी आर गोइंग टू पिक इट अप एंड लुक हू इज हियर विद मी। ठीक है ना, कितने पैसे लिए और ऑयल चेंज टायर रोटेशन सब किया ना उन्होंने। सो ही चार्ज्ड अस $79 फॉर द एंटायर सर्विस, बाकी जो भी रेगुलर चेकअप होता है वो सब का। आई कैन सी सुरभि अभी बैठ के अपनी पूरी कार को शायद साफ कर रही है। मुझे एक और टास्क मिलने वाला है विच इज गोइंग टू बी टू गेट हर कार क्लीन्ड। और अगर आपने कार वॉश वाला वीडियो नहीं देखा है वो वाला वीडियो एक बार देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लेट्स सी सुरभि बोलती है क्या सही में। ये
वनीला डंकिन हाइंस ना, दिस इज 99 सेंट्स. पिल्सबेरी लेते, उसका आटा बहुत सही रहता. हम लोग ये क्यों ले रहे हैं? क्रीम, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू बेक मैंगो केक. इसे पूरा टाइम वैदेही को बताते रहती कि ये जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए. देन व्हाई आर यू बाइंग पॉपकॉर्न? देख रही हूँ खाली. लेना है? अभी दूसरा डब्बा दो. मुझे ये लेना है यार, आई वांट दिस बिकॉज दिस इज वेरी नाइस. यू आर मेकिंग मैंगो केक टुनाइट एनीवे. लियो प्लीज लियो. कौन सा लो? एक ये दो कंफर्म. तुम आंखें बंद करो. आंखें बंद करो प्लीज. मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो लेना, ठीक है? रेडी सेट लो लो. ओहो, व्हाट अ लॉजिक. फिर भी तुम बचपन में पेप्सी पीती थी, पेप्सी खाती थी? बहुत कम यार. व्हाट वाज योर फेवरेट फ्लेवर? तब बोलते थे कि वो गटर का पानी है वगैरह, तो नहीं. वाना पेप्सी? ऑल द पेप्सी फैंस प्लीज हिट द लाइक बटन. ऑल द गटर के पानी वाले पेप्सी फैंस प्लीज हिट द लाइक बटन. तुम्हारा बचपन में क्या था ऐसा फेवरेट आइटम जो बच्चों को पसंद आता, जो गटर के पानी से बनी हुई पेप्सी नहीं पीते, वैसे बच्चों का फेवरेट आइटम क्या रहता? स्कूल में तो मुरली और समोसा वगैरह ही मिलता था खाली. दिस इज वेरी हेल्दी पॉपकॉर्न बिकॉज इट्स मेड विथ 100% एवोकाडो ऑयल. जो भी ये ब्रांड है, अगर आप देख रहे हो तो वीडियो में आपका प्रमोशन हो चुका है. प्लीज पैसे भिजवा देना या फिर पॉपकॉर्न भी भिजवा सकते हो. सही है. आज हम लोग एक दिन जिम क्या चले गए. आज ऐश पे ऐश हो रही है. क्या? बरीटो? व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इट इज बरीटो. आज के वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि वेट कम कैसे करते हैं जिम जाके, और ये भी देख लिया कि वेट बढ़ाते कैसे हैं बहुत सारा खाना खा के. ओके, प्लीज अपडेट मी ऑन द प्रोग्रेस ऑफ मैंगो केक. तुम प्लीज थोड़ा रेसिपी भी बताते चलो यार. फॉर रेसिपी यू कैन फॉलो बेक विद शिवेश. ये हमारा बटर एंड शुगर का मिक्सचर है, और बस अभी फिर इसको इसमें डाल देना है ना. नहीं सॉरी, इसको उसमें. सुरभि, खाने में जितनी ज्यादा मजा आती है ना, बनाने में उतनी ज्यादा मेहनत भी है उसको. मिक्सिंग, सिफ्टिंग, सब कुछ, ऑलमोस्ट पूरा कट एंड फोल्ड भी मैंने ही करके रखा है. एक मिनट के कट एंड फोल्ड में पूरी. जब क्रिकेट मैच में 6 रन चाहिए होते हैं एक बॉल में, और धोनी आके एक लास्ट बॉल पे 6 मारता है. 6 रन छोड़े किसने? एक बॉल में जब धोनी आके छक्का मार देते हैं तब उसके बाद में लोग पागल हो जाते हैं. दैट इज द फिनिशिंग टच इज एवरीथिंग. बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में ये देखा, फालतू सी चीज पे धनिया रख देते तो पागल हो जाते हैं लोग. मैं नहीं जाती बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, लेके नहीं जाता. करो करो, क्या कर रही थी? मैं भी तो टाइट हूँ. अरे अरे, हाथ से खाने लग गई अभी अचानक. जब तक ये बेक होता है तब तक क्या करना है लोगों ने? क्या करना है जल्दी बोलो, तुमको सब सिखाया है मैंने क्या बोलना है. जब तक एक बेक होकर बाहर निकलता है तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. पल पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है. फिंगर्स क्रॉस की ये केक बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है. वो जो स्पेशली कट एंड फोल्ड वाला था, ये तुमने 33 सेकंड्स बेसिकली बकवास की है. एक मिनट होगा तब बताना, मैं बंद करूंगा, ठीक है? 8 सेकंड. 7 6 5 4 3 2. सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए. This is the beautiful mango cake. Okay, केक है एक, लेकिन थालियां चार चार यूज हो रही है, क्योंकि हमें केक चाहिए येलो प्लेट पर ही, बिकॉज इट्स मैंगो केक. एक थोड़ा सब्सक्राइबर्स के लिए लाओ. Enjoy our mango cake, but do not forget to like the video, subscribe to the channel, and also share all the videos that we have been posting on our channel. We'll see you in the next one. Tab tak ke liye, stay safe, take care, and bye.